वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, कभी भगवाधारी तो कभी सौम्य स्वरूप तो कभी रौद्र रूप। कहते हैं कि वो अपने परिधान से ही राजनीति में इशारा कर देते हैं। यही वजह है कि मोदी की तस्वीरें भी खूब वायरल होती है और इस चुनावी सरगर्मी में भी ऐसी ही एक वीडियो वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर ऐसा काम किया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। मंच पर सबके सामने प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के चरणों में झुक गए। ये सब सुनने के बाद आपके जहन में भी ख्याल तो नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने कार्यकर्ता के पैर छुए हैं, तो हम आपको इस बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री चौथे चरण के चुनाव प्रचार करने उन्नाव पहुंचे थे, जहां अवधेश नाम का एक बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी का भगवान राम की मूर्ति भेंट करने के लिए दौरान उसके पैर छूने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पीएम ने उन्हें पैर नहीं छूने दिया, बल्कि उन्होंने खुद बीजेपी कार्यकर्ता के पैर छुए। पीएम ने जिस कार्यकर्ता के पैर छुए हैं उसका पूरा नाम अवधेश कटियार है, जो कि दलित नेता है और वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि एक कार्यकर्ता के पैर सिर्फ मोदी जी ही छू सकते हैं। वजह यह है कि श्रीराम की मूर्ति देने वाले से खुद के पैर नहीं छुआ सकते। आपको बता दें कि यूपी में अब तक तीन चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब चौथे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेता मेहनत करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी भी उन्नाव पहुंचे थे, जहां ये सब हुआ। इस वीडियो पर अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।